एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ आईपीओ लाने वाली देश की पहली इंश्योरेंस कंपनी बनने वाली है और जो बोर्ड है उसने मंजूरी दे दी है। इश्यू बाजार में कब तक आने की उम्मीद है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर केकी मिस्त्री हैं जो कि एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन हैं। मिस्टर मिस्त्री, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है आईपीओ को, 10% हिस्सा ऑफलोड भी करेंगे, कब तक ये इश्यू आ सकता है? So as you know, we've always said that we wanted to do an IPO of the life insurance company, and we need an in-principle approval from the board. So the in-principle approval jo chahiye thi wo hum log ne le liya hai. So now we have the board's approval to sell up to 10% of the shares of the life insurance business. Timing kehna thoda mushkil hai because we now have to go through the process of appointing the bankers, appointing the lawyers, getting the documentation done, the offering circular done, and so on and so forth. Or yes, up documents taiyar hone ke baad, we need to go to IRDA to get the IRDA approval, the insurance regulator. Once the insurance regulatory approval is received, we then, my sense is, we have to go to SEBI, get the SEBI approval, and after that, depending on market conditions, we would launch the issue. Kitna time lagega to get these approvals, I do not know. But we must bear in mind that this would be probably the first IPO for an insurance company. So keeping that in mind, I think there would be a lot of details that I'm sure the regulators will want. So I can't give you timelines. But my sense is the latter part of this calendar year may issue financially. लेकिन सर, आपने क्या जो merchant bankers हैं उनको shortlist कर लिया है? अभी ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है. हम लोग ने कुछ मर्चेंट बैंकर्स को, वी मेट अ फ्यू मर्चेंट बैंकर्स एंड वी विल ऑल सिट टुगेदर वन ऑफ दिस डेज एंड टेक अ कॉल. बट जो इंटरनल जो काम करना है, दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस. वर्क इन द सेंस दैट जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जो डिटेल्स यू नो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इश्यू, दैट वर्क इज गोइंग ऑन पैरेलली और विल स्टार्ट पैरेलली. राइट नाउ, जैसा आपने कहा मिस्टर मिस्त्री कि ये अपनी तरह का पहला इश्यू होगा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, सो यू नो इट एक्ट एज एन बेंचमार्क बाकी कंपनीज के लिए भी. तो अगर हम प्रीमियम इनकम को देखें या फिर प्योरली जो मार्केट शेयर है आपका वो देखें, तो इसके आधार पर एक रफ बॉल पार्क वैल्यूएशन क्या एक्सपेक्टेड है? तो वैल्यूएशन का तो नंबर नहीं दे सकते टिल एंड अनटिल वी हैव द बैंकर्स इन प्लेस एंड वी हैव फाइल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट तो तब तक तो वैल्यूएशन का तो you know we can't talk or comment upon. But having said that, jo aap jo sell side analysts jo hai jo research report banate hain unki aap jo report dekhenge to there is a very decent value, to uske hisab se aap thoda wait kar sakte hain sir. Par exactly main ye puchna chahunga jo aapki standard life ke sath jo deal hui thi, kya ye pricing uske aas paas hi rahegi, iski sambhavna kitni hai? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ. स्टैंडर्ड लाइफ की डील एक साल पहले की फिक्स की हुई है. सिंस देन लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड, सो आई कांट गेट इनटू वैल्यूएशंस. बट आप जो सेल साइड एनालिस्ट रिपोर्ट्स से देखेंगे तो यू विल सी दैट द वैल्यू इज हायर देन व्हाट दैट ट्रांजैक्शन हैपेंड. सी दैट ट्रांजैक्शन वाज स्पीक मोर देन ईयर अगो, क्लोज टू ईयर अगो. राइट, सो कैन यू गिव एनी रफ एस्टिमेट जो प्रीमियम इनकम है उसके बारे में? और सब इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो सब वेबसाइट पे अवेलेबल है. वी हैड द बोर्ड मीटिंग ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जो रिजल्ट्स जो है फॉर द ईयर, द प्रीमियम इनकम, द प्रॉफिट्स, वो सब वेबसाइट पे यू नो व्हिच इज दिस बीन एंटर्ड ओवर. जो टोटल इनकम था, ग्रॉस इनकम था और जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीबन कुछ 818 करोड़ था, 818 करोड़. टोटल इनकम करीबन 17,900 के आसपास कुछ था, 17,954 करोड़ था.